ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। जी अब आ रही है क्योंकि मैंने अभी ही स्टार्ट किया है इसलिए। अच्छा जी, आज के लेक्चर का जो है वो हम आगाज करते हैं, ठीक है। आज ये क्विक शॉर्ट सा लेक्चर है और बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी है, विच इज लाइक प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ स्क्रीन शेयर, देन उसके बाद आप लोगों को चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। ओके, सो टुडे इज द फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। और आज का लेक्चर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से है कि बेसिकली जब हम होलसेल बेस कोई भी मॉडल होता है, ठीक है, आप जब उस पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कैलकुलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो आपने जब अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लगानी है होलसेल मॉडल को फॉलो करते हुए, तो आपने किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आप लोगों को जो है वो करके भी बताऊंगी, और इसकी कुछ टिप्स वगैरह होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो पहले हम स्लाइड्स को रीड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी रीजनिंग्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि प्रॉफिट बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन सी वो ऐप है, एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम लोग, या कैलकुलेटर कह लें जिसके थ्रू हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल और आप लोगों को पता भी होगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन में लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 90 डेज एवरेज प्राइस। यू कैन सी 90 डेज एवरेज प्राइस बिलो थ्रू कीपा। अच्छा, आप लोगों ने कीपा का एनालिसिस तो ऑलरेडी जो है वो सीख लिया है और काफी इन डेप्थ लेक्चर था वो, ठीक है, कि हमने कीपा में कौन कौन सी चीज देखनी होती है, कहाँ कहाँ पे देखनी होती है। वहां पे हमने देखा था कि एक आपके पास करंट प्राइस होती है, एक 90 डेज की एवरेज प्राइस होती है कि 3 महीने में एवरेज किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल होती रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने प्रॉफिट को 90 डेज की एवरेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। अब इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि जैसे अभी आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट देखी, ठीक है, उसका एक करंट प्राइस है, आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सही है। वो किसी सेलर के पास, जिसके पास भी बाय बॉक्स था, उसकी करंट प्राइस वहां पे शो हो रही थी, लेट से $15 हो रही थी, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कि 90 डेज में या बाकी सेलर्स कौन सी प्राइस लगा के बैठे हुए। कल जब आप जाते हैं, जैसे ही आप लाइव होते हैं, तो आपको पता लगता है जी बाय बॉक्स विन करने के लिए तो मुझे 10 या 9 की प्राइस लगानी पड़ेगी, बाय बॉक्स रोटेशन तो इसके ऊपर हो रही है और ये 90 डेज की एवरेज थी। तो आपने क्योंकि कैलकुलेट किया होगा प्रॉफिट 15 पे, जब आपको प्राइस ड्रॉप करनी पड़ेगी तो क्या होगा कि आप लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है। सो हियर इज अ टिप कि आपने ये चीज नहीं देखनी कि बस इस हाई प्राइस पे प्रॉफिट आ रहा है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके आपको बाय बॉक्स विन करने के लिए भी प्राइस बिलो करनी पड़ सकती है, और 90 डेज में या वैसे जिस प्राइस के ऊपर ज्यादा बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है आपको वो वाली प्राइस भी लगानी पड़ सकती है। इसलिए आपने थोड़ी सी लो प्राइस के ऊपर ही जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आगे जाके आप हाई पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और अगर आपको लो करनी पड़ जाएगी तो आप क्या होगा, नुकसान नहीं उठाएंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन, सिर्फ करंट प्राइस को देखते हुए नहीं चलना है। फिर आते हैं कि एड एटलीस्ट $2 एज मिसेलिनियस कॉस्ट इन FBA कैलकुलेटर, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ये हम इसलिए ऐड करते हैं। आपको पता है होलसेल में जब हमने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी होती है, उसकी प्रेप होती है, ठीक है, प्रेप सर्विसेज होती हैं, शिपिंग होती है, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से डायरेक्टली शिप हो रही होती है, या 3PL के सर्विस वेयर हाउस से जो है वो डिलीवर हो रही होती है, आपने उसको लेबल्स लगवाने होते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको पैकेजिंग करवानी होती है, ठीक है, बबल रैप करवा रहे हैं या पॉली बैगिंग करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेट्स जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। तो यूजुअली आपने क्या करना है, $2 के अंदर ये काम हो जाता है, पर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो आपने ये कॉस्ट लाजमी लाजमी लगानी है, ठीक है। हत्ता के ये हो कि आपको शिपिंग और लेबलिंग दोनों सर्विसेज कहीं से फ्री में मिल रही हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, तब है कि आप ना लगाएं, अदरवाइज आपने ये $2 जो है वो लाजमी लगाने हैं। अच्छा, इसका रीजन भी लिखा हुआ है, वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स डू नॉट गिव लेबलिंग सर्विसेज, सो यू सेंड प्रोडक्ट्स टू प्रेप सेंटर, दे लेबल योर प्रोडक्ट्स एंड देन सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन वेयर हाउस, एंड पर यूनिट इट कॉस्ट 1.5 to $2, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि आपने क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो डालनी है। उसके बाद है कि योर प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी मोर देन 10%, ठीक है, एटलीस्ट 10% जो है ना वो होना चाहिए। होलसेल में 10% एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद आप इसको जो है वो जितना ज्यादा लाइक बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10% तो होना चाहिए।
इट इज जस्ट नॉर्मल मार्जिन, बट यू कैन गो विद देम, एटलीस्ट रन योर अकाउंट, ट्राई टू फाइंड मोर देन दिस. ऑब्वियसली बात है, ये मिनिमम बेयर मिनिमम है कि 10% तो प्रॉफिट मार्जिन आपका होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जो मैं आपको बताऊंगी. देखिए, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है, या डील कर रहे होंगे, तो यूजुअली क्या होता है कि वो क्लाइंट को, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती, कुछ को तो होती है, वो कहते हैं कि जी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ $1 का प्रॉफिट है. ठीक है, मार्जिन बहुत अच्छा बन रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं जी प्रोडक्ट का प्रॉफिट सिर्फ $1 का है, $2 का है, तो इतना नहीं, कम से कम $5 का हो, $10 का. तो आपने उसको ये बात समझानी है कि प्रॉफिट नहीं देखा जाता, प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है कि वो आपके पास कितना आ रहा है. अब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये चीज ना प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट की सोर्स प्राइस क्या है, फिर आप उसको कितने में सेल कर रहे हैं. कोई छोटी प्राइस की प्रोडक्ट है या कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, $50 की है, $60 की है, ठीक है, महंगी प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से ये चीज वेरी कर रही होती है. अब फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास $3 का प्रॉफिट है और जो आपका मार्जिन है वो बन रहा है 12%. ठीक है, इसी तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो ऐसी हो सकती है कि जिसके ऊपर जो है वो तकरीबन $6 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन उसका मार्जिन कितना बन रहा होगा, 10%, यानी कि कम बन रहा होगा. तो ये चीज डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे, उसकी नेचर पे, उसकी सेलिंग प्राइस पे और उसकी कॉस्ट पे. ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना समटाइम्स सिर्फ $1 का प्रॉफिट होगा और वो $1 भी जो उस प्रोडक्ट के ऊपर बच रहा होगा वो आपका मार्जिन 15% बना रहा होगा. सही है, तो आपने क्या करना है कि ज्यादा फोकस आपका कहाँ पे होता है, मार्जिन के ऊपर होता है, कि वो एटलीस्ट 10 हो या 10 अबव हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है, 10 अबव वो जितना मर्जी जाता रहे. ठीक है, प्रॉफिट का कोई नहीं है कि $1 लाजमी है, $2 लाजमी है, इस तरीके से नहीं होता. अच्छा, इफ यू आर सेलिंग ए फ्यू यूनिट्स लाइक 10 और 20, यू मे सेल इट अ लिटिल बिट हायर प्राइस इफ बाय बॉक्स रोटेशन इज गुड एंड देयर इज नो ह्यूज कॉम्पिटिशन ऑन द लिस्टिंग. अब बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, लाइक हम लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं कि दानिया दाऊद कह रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, क्या ऐसा ही है, आप सबको इश्यू हो रहा है कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? बस ठीक है फिर, क्योंकि जिनको इश्यू हो रहा है ना वो काइंडली अपना इंटरनेट देखें, जब वो थोड़ा सा इनस्टेबल होता है तो फिर सामने वाले की आवाज अटक अटक के आती है. ठीक है, ओके. अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये चीज बताई गई है. देखें, जब हम लोग आपको कोई भी क्राइटेरिया बताते हैं, ठीक है, कि आपने इस तरीके से प्रोडक्ट को हंट करना है, यूजुअली आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये प्राइस है, तो क्या इतनी सी प्राइस नीचे जा रही है, इतनी सी प्राइस ऊपर जा रही है, तो क्या हम फॉलो कर लें, लाइक प्रोडक्ट को रख लें. ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर वाली बात है, जो बोल दिया गया आपने बिल्कुल ही वो करना है. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में आपने खुद एनालाइज करके चीजों को थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे आपने देखना होता है कि हाँ ये काम हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी इन्वेंट्री, कोई ऐसी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ना लेट से कि आपका 90 डेज एवरेज प्राइस पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि 90 डेज की एवरेज प्राइस यूजुअली करंट प्राइस से समटाइम्स कम ही होती है. ठीक है, तो आपकी जो उस टाइम पे लिस्टिंग पे प्राइस चल रही है या कोई भी थोड़ी सी हाई प्राइस के ऊपर एक भी सेलर बेच रहा है ना, तो आपके पास उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, जहां से भी आप सोर्स कर रहे हैं. ठीक है, आप वो प्राइस लगा रहे हो, थोड़ी हाई प्राइस लगा रहे हो, आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट बच रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? और बाकी सेलर्स जो है वो कम पे बेच रहे हैं, कम पे रोटेशन हो रही है, तो या तो ये केस हो कि वो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन किस्म की हो, ठीक है, लेकिन अगर आप कम प्राइस पे कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अगर इस प्राइस पे निकल जाती है तो प्रॉफिट बचेगा, वो $1 का प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे रहा हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, स्टैट्स वाइज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो, तो ऐसी सूरत में ये है कि अगर तो आप 10-20 यूनिट्स उसके परचेज कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने ऐसी सिचुएशन में ये काम कर लेना है कि आप उसको हायर प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 से 20 यूनिट है मेरे निकल ही जाने हैं. ठीक है, कितना टाइम लेंगे और कोई मुझे इतना ह्यूज नुकसान नहीं होगा. जो हम बात करते हैं ना कि आपने कम प्राइस रखनी है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, जहां पे आप बल्क में कभी भी परचेज करें, लाइक अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से 100 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक प्राइस पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और उससे नीचे अगर आपको प्राइस करनी पड़ गई तो आप सरासर नुकसान में जाएंगे, तो कल को खुदा ना खास्ता बाय बॉक्स विन करने के लिए आपको प्राइस नीचे करनी पड़ गई, तो आपको क्या होगा कि 100 यूनिट्स के ऊपर नुकसान उठाना पड़ सकता है. ठीक है, इसलिए हम हमेशा कम प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हुए जाते हैं ताकि हमारा रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, और जब प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप भले हाई कर लें, ठीक है, भले हाई कर लें या उसी पे बेच लें, या थोड़े थोड़े सेंट्स बढ़ाते जाएं घटाते जाएं, वो वाली सिचुएशन चल रही होती है. तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है
कि बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बाय बॉक्स की रोटेशन भी अच्छी है, ठीक है, और हाई प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हैं। देन है कि ऑलवेज कंसिडर पैक ऑफ प्राइस, यू शुड आस्क दिस फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों में से मेजोरिटी मिस कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अमेजोन के ऊपर पैक में सेल हो रही होती हैं। आई थिंक आप सबको पैक का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है और एक होती है पैक की फॉर्म में, ठीक है। आप लोग पहले मुझे बताएं, आप लोगों को पैक का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि पैक की फॉर्म में क्या होता है। लाइक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है, एक लिपस्टिक है, ठीक है, और उसका पैक क्या होगा कि वो 5 का पैक है, 4 का पैक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है कि जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ना, तो आपने पैक की प्राइस के साथ जाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर कहता है आप उससे लिपस्टिक परचेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स हैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हैं। अब क्या होगा कि वो लिपस्टिक की आपको प्राइस देता है, जी $5 की एक लिपस्टिक है, ठीक है, आपने अमेजोन पे जिस जो उसका एसएन है वहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही है पैक ऑफ 3 में, ठीक है, लाइक 3 का पैक सेल हो रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने, हम लिपस्टिक की बात कर रहे थे, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गए हैं और आपको वो लिपस्टिक की जो है वो प्राइस देता है $5, ठीक है, और आपने अमेजोन पे जो उसका एसएन है वहाँ पे देखते हैं कि वो पैक ऑफ 3 में सेल हो रही है, यानी 3 लिपस्टिक सेल हो रही है, ठीक है। तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ये नहीं करना है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने $5 की प्राइस दी है तो वो $5 में ही मुझे देगा और आगे वो फर्दर जो है वो $15 में सेल होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि सेम नो वॉइस नो वॉइस। तो जब मैं कहती हूँ कि जस्ट वेट अ सेकेंड, ऑब्वियसली दैट मीन्स कि मैं 1 मिनट के लिए खुद गई हूँ, ठीक है, म्यूट करके। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, जल्दी से उस पॉइंट को कवर करते हैं बिकॉज वो टाइम ले जाएगा। तो क्या है कि वो $5 जो आपको बता रहा है ना, वो सिर्फ एक लिपस्टिक के बता रहा है, ठीक है। अगर वो अमेजोन के ऊपर 3 का पैक सेल हो रही है, तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो आपको इंडिविजुअल की प्राइस बताते हैं, वो आपको पैक की नहीं बताते, क्योंकि उनको नहीं पता आपने अमेजोन पे सेल करनी है, आपने ईबे पे, वॉलमार्ट पे, किस तरीके से, किस लिस्टिंग के ऊपर सेल करनी है, ठीक है, और आपने वैसे ही सेल करनी है जिस तरीके से लिस्टिंग के ऊपर सेल हो रही होती है, ठीक है। तो इस चीज का आपने लाजमी क्या करना है, ख्याल करना है। अब हम आ जाते हैं फॉरन से अमेजोन पे, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम देखते हैं। यहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है वो हम ओपन कर लेते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है और ये जो है ना पैक में सेल हो रही है, ठीक है, पैक ऑफ 4 में सेल हो रही है बेसिकली। अब ये पैक ऑफ 4 में जो है ना वो सेल हो रही है, ठीक है, और अगर आपको इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, लेट्स से इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त चल रही है 25.94, ठीक है, और आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर इसकी प्राइस दे रहा है कि ये आपको एक पैक जो है वो लाइक $2 की वो प्राइस दे रहा है, तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए सिर्फ 2 नहीं लगानी है कॉस्ट, आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके $8 लगानी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक डव कंडीशनर की प्राइस बता रहा है, वो आपको 4 की नहीं बता रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 4, 2 विथ 4, और फिर क्या होगा कि आपके पास टोटल कॉस्ट 8 की बनेगी, ठीक है, वो आपको ये दे देगा डिफरेंट बॉटल्स, आपने प्रेप वाले के पास भिजवा के 4 का एक सेट बना के आगे कस्टमर को भेजना है, क्योंकि आप जिस लिस्टिंग के ऊपर जाके सेल करने वाले हैं वहाँ पे पैक ऑफ 4 है, अदरवाइज कस्टमर की कंप्लेन होगी कि आपने दिखाया पैक ऑफ 4 है लेकिन आपने भेजा 1 है, ठीक हो गया। अब लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, ये है, ये सारी फीसेस जो अमेजोन की होती हैं वो सारी की सारी खुद ही इंक्लूड कर लेता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, रेफरल फीस वगैरह, ठीक है, तो वो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। आई डोंट नो वाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, तो जरा वो लेने दें। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, साइन इन टू सेलर सेंट्रल एंड कंटिन्यू एज गेस्ट, आप सेलर सेंट्रल के साथ भी इसको कर सकते हैं अगर आपके पास है, वरना आप कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर सकते हैं, मैं साइन इन टू सेलर सेंट्रल कर रही हूँ। अच्छा, अब ये इस ब्राउजर के ऊपर मुझसे OTP मांगेगा, तो फिर मैं इसको गेस्ट ही कर लेती हूँ फिलहाल। बिकॉज OTP आएगा फिर मैं लगाऊंगी, तो इट विल ऑब्वियसली वेस्ट आवर टाइम, तो कंटिन्यू एज गेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, कैलकुलेटर खुल गया। अब ये हमारी प्रोडक्ट थी, हमने इसका SN UPC हम कुछ भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने इसका लेना है SN, ठीक है, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आके हमने इसको किया पेस्ट, सर्च पे हमने कर दिया क्लिक, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा वो फेच कर लेगा। अब देखें वो यहाँ पे बता रहा है जो इसकी करंट प्राइस 25.94 चल रही है, ठीक है, ये इसकी करंट है जिसके ऊपर लिस्टिंग पे है, 90 डेज की आप प्राइस कहाँ से देख सकते हैं, आप देखेंगे कीपा पे जाके, तो वहाँ पे आपको 90 डेज की दिख जाती है, अगर 90 डेज की लाइक 23 है तो आपने क्या करना है यहाँ पे 23 पे प्रॉफिट निकाल लेना है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट हम 2 की लगा लेते हैं, वैसे ही पैक के फॉर्म में है तो हमने क्या करना है कि पैकेजिंग वगैरह करवानी है, वैसे आप ये डिस्ट्रीब्यूटर से जो पूछ सकते हैं, यूजुअली वो बता देते हैं, हमारे कैटलॉग वगैरह पे लिखा होता है कि यूनिट प्राइस है, लेकिन अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो आप उनसे कॉल करके या आप ईमेल पे पूछ सकते हैं कि आपकी जो प्राइस शीट है वो इंडिविजुअल प्राइस की प्रोडक्ट होती है या पैक की, एंड ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल की ही होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपने कितने का पैक बना के बेचना है, आपने कहाँ पे बेचना है, उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। डव की बहुत सारे लिस्टिंग्स है, उन्हें क्या पता आप इंडिविजुअल बेच रहे हो या आप 4 का पैक बेच रहे हो, ठीक है। अब लेट सपोज के हम कहते हैं ये जो हमारे पास एक स्पेसिफिक बॉडी वॉश है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें प्राइस शीट के ऊपर लिखा हुआ है $2, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे $2 लगाएंगे तो क्या है कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी आ गया और बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि ये पैक ऑफ 4 है, तो आपने क्या करना है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आया ना, ये हमारे पास ओरिजिनल प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि $2 की एक बॉटल होगी, हमने 4 को मर्ज करके एक प्रोडक्ट बना के सेल करना है, तो हमें इस पूरी जो प्रोडक्ट है जो कि हम $25 में या $23 में सेल करने वाले हैं, ठीक है, ये हमें तकरीबन $8 में पड़ जाएगी, $2 की एक होगी, हमने 4 को मिला के एक प्रोडक्ट बना के, और फिर उसके बाद हमने उसको क्या करना है सेल करना है, ठीक है, तो हमारे पास कितना मार्जिन बच रहा है, इतना बच रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, क्योंकि कैटलॉग्स में से जो है वो थोड़ा मुश्किल से ही प्रोडक्ट्स निकलती हैं, ठीक है, नेगेटिव वाली बहुत सारी जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट आने वाला है, ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसका 23 पे निकालते हैं
तो वो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा। थोड़ा सा कम क्या, नेगेटिव में चला गया, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि ना होने के बराबर है, सही है। तो इस तरीके से ये चीज वर्क करती है। अब आप लोग जो है वो मुझे बताएं जरा, आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, शुमाइला ने क्वेश्चन किया कि मींस जो प्राइस शीट में कैलकुलेशन होती है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, शायद मेरे जहन में ना आता। क्या होगा कि जब आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें जब सॉरी स्कैन करते हैं, स्कैन अनलिमिटेड से शीट, तो वहां पे जिन्होंने नहीं किया उन्हें अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो वो स्कैन होने के बाद वो आपको प्रॉफिट और ये सब कुछ दिखा रही होती है। उस प्रॉफिट पे कभी भी रिलाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो बस सिंपल प्राइस देखते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट कर देती है वो ऐप, ऐसा नहीं है। आपने उसको जाके एनालाइज करना है और देखना है वो पैक में है या सिंगल में है, ठीक है। अगर तो सिंगल है तो इट्स ओके, अगर वो पैक में है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए तो कैटलॉग में से प्रोडक्ट थोड़ा मुश्किल से ही निकलती है, क्योंकि आपके पास तो वैसे तो बहुत सारी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जब आप उनको इस तरीके से खुद निकालते हैं ना, तो फिर ये चीज होती है, ठीक है। कीपा इज स्टिल नॉट वर्किंग, या आई नो, बिकॉज कीपा हैज इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज, तो वो काफी डिफिकल्ट ही हुआ है इस टाइम पे ना, थोड़ा इश्यू कर रहा है, लेकिन चला रहे हैं लोग। इवन अगर आप अपना भी परचेज कर लेते हैं, विच इज लाइक महंगा पड़ता है, 8-9 हज़ार का विद टैक्स, तो उस पे भी आपको बार बार फिर ओटीपी वगैरह आता है। मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में रेफरल फी और एफडीए फी ऐड करनी होगी? नो नो नो, बिकॉज आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप एफबीए कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके डिमेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर ने सारी फीसेस खुद ही डाल दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इन्होंने रेफरल फी डाल दी, ठीक है, इन्होंने जो भी इनके फिक्स्ड क्लोजिंग फी हो गई वो हो गई, और बाकी की जो भी फीसेज है जिसके अंदर शिपिंग वगैरह, ये देखें इन्होंने मंथली स्टोरेज कॉस्ट डाली है इस प्रोडक्ट की कितनी होगी, ठीक है। और अगर ये शिप वगैरह कर रहे हैं आप, एफबीए कर रहे हैं, तो उसके जितने भी अखराजात हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और ये ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करती है। हाँ, मिसलेनियस कॉस्ट आप 2 ही लगाएं, मोर देन इनफ होती है ये। लोग 1.5 भी लगा रहे होते हैं, 1 भी लगा रहे होते हैं। मैम, अगर नेगेटिव में मार्जिन है तो प्रोडक्ट पे छोड़ दें? ऑब्वियसली छोड़ दें, नहीं है उसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए तो सब कुछ किया जाता है, अगर वो ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन था। स्कैन अनलिमिटेड वाला बता दे, वो क्यों यूज होता है? स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट्स होती हैं, ठीक है, उनको स्कैन करने के लिए यूज होता है। अभी मेरे पास, क्योंकि लैपटॉप में बहुत ज्यादा डाटा है, अगर मैंने पहले से शीट खोली होती तो मैं अभी दिखाती। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाई थी एक मरतबा के कैटलॉग किस तरीके का होता है, उसमें एसेंस और यूपीसीज वगैरह होते हैं। या क्वेरीज की जहाँ तक बात है, लाइक आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, बिकॉज इस वीक हम लोग आपका ग्रुप ओपन नहीं कर सके थे, बिकॉज थिंग्स वर लाइक वी वर वेरी बिजी, ठीक है। तो वो कन्वीनियंट ही नहीं था कि मैं जो हूँ रिप्लाई दे सकती कुछ भी। तो इनशाला 1-2 दिन में आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, देन वी विल ओपन द ग्रुप। तो वहाँ पे ये होता है कि हर एक ही क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो हो जाते हैं, जो भी मुझसे डायरेक्टली पूछना चाह रहा होता है, तो मैं वहाँ पे काफी डिटेल किस्म के रिप्लाईज दे देती हूँ। लेकिन प्रॉफिट कम होगा तो मार्जिन कैसे आएगा? मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि लाइक फॉर एग्जांपल, चलें इसी प्रोडक्ट ये भी हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, जब यहाँ पे हमने लगाई थी ना 25 की प्राइस लगाई थी, ठीक है, अब आप देखें, नहीं 25 पे भी ये कम ही है जरा। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 28, ठीक है, कि ये 28 की आपने सेल करनी। अब देखें यहाँ पे कितना है, $4.35 का प्रॉफिट है और 15.54 का मार्जिन है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर $1 का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपके पास मार्जिन अच्छा ही बन रहा होगा, ठीक है। और ये चीज जो है ना, ये डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर और उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर, कि आप उसको कितनी लाइक ह्यूज मार्जिन के ऊपर सेल कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है, ये यहाँ से चीज कैलकुलेट होती है। मैम, सम डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंट प्रोवाइड कैटलॉग, उनकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट स्टैट चेक करेंगे। यस, ऐसा ही है, और इसके लिए जो है वो वेबसाइट स्क्रैपिंग भी एक मेथड होता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और कुछ जो है वो वेबसाइट्स आराम से स्कैन हो जाती हैं, लाइक स्क्रैप हो जाती हैं, डाटा एक्सेल के फॉर्म में आ जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस थिंग, तो मैंने टीम को बोला हुआ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोई वीडियो शॉर्ट बना देंगे। ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपका कितना ROI आया है, वो भी 15 अबव हो तो अच्छी बात है। और वो आप कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आया है इसको आपने डिवाइड करना है 100 से, सॉरी डिवाइड करना है अपनी कॉस्ट से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास जो है वो आरओआई आ जाता है कि टोटल आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है अपने बिजनेस पे उसके ऊपर आपको कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है। तो आरओआई और मार्जिन दोनों अच्छी होनी चाहिए। मैनुअली ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट्स जो है सेलर्स के स्टोर्स में से मिलती हैं। ठीक है, अच्छा होता है, सेलर स्नाइपिंग का मेथड बहुत बेस्ट है, वहीं से मिल जाती हैं आपको ना अच्छे स्टोर्स, स्टोर्स में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं लोगों के, वैसे एक एक करके फाइंड करेंगे मुश्किल है। ट्रस्ट पायलट किस लिए यूज होता है, तो ट्रस्ट पायलट जो है वो इसलिए यूज होता है कि उसमें वो होता है लाइक प्रोडक्ट की सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है मैम, प्रोडक्ट हमें क्लाइंट खुद बताएगा या हमें क्लाइंट कहेंगे कि हम खुद हंड करें? ऑब्वियसली आपने करनी है, क्लाइंट क्यों बताएगा, वरना क्लाइंट खुद कर ले आपको क्यों पे करेगा। मैम ये कैलकुलेशन हमने आपकी हैंड की भी प्रोडक्ट से करनी है या डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट से? डिस्ट्रीब्यूटर वाली से करें ताकि आपके पास एक ओरिजिनल कॉस्ट हो और आपको पता हो कि जी अब कितना प्रॉफिट आएगा, फिर उस हिसाब से ही आपको फाइनल चीज पता लगेगी। अच्छा एक मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप कैटलॉग जो है वो शेयर कर दें, सॉरी दिखा दें, तो मैं एक सेकंड दिखाती हूँ, बिकॉज वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट। सम डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंट प्रोवाइड ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर आपको कोई भी नहीं दिखाता, ठीक है, वो कहते हैं कि इट इज समथिंग बिटवीन अस एंड लाइक बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द ब्रांड, तो वो आपको लेटर्स तो कभी भी नहीं दिखाएंगे, उनकी जबान पे ही आपको यकीन करना पड़ता है ना, क्योंकि लेटर वाली चीज तो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। मैम प्लीज टू थ्री नेम्स ऑफ स्मॉल ब्रांड्स दैट गिव अप्रूवल। अगर मैं यहाँ पे नाम दूंगी तो इस वक्त हमारे पास जो है वो मीटिंग में 71 बंदा है, ठीक है, और 71 बंदा उस ब्रांड के पीछे चला जाएगा, तो वो ब्रांड और लिस्टिंग सब कुछ ही खराब हो जाएगा। लगे रहे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हाउ डू वी नो इनवॉइस इज एक्सेप्टेड बाय अमेजोन और नॉट? एक तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एग्जिस्टिंग अमेजोन कस्टमर्स और आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, ठीक है, वहां से भी आपको पता लग जाएगा। और जो है दूसरी बात ये है कि आप जो है वो अगर रिफंड पॉलिसी है और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आप 10 यूनिट्स लेके लगा लें इनवॉइस, अगर नहीं एक्सेप्ट हुई तो रिटर्न कर लीजिएगा। एक पूछती है कि हमने जो है वो लास्ट वीक नंबर परचेज किया, आप क्या करना है, नंबर्स के बाद आप कॉल्स करें, डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग मंगवाएं, उसके बाद आपको एनालाइज करना बताया गया, आज प्रॉफिट कैलकुलेट करना बताया गया, तो आप क्या करेंगी, अब ये काम करेंगी? मैम डिस्ट्रीब्यूटर तो कैटलॉग देते ही नहीं है मोस्टली, जो हमने सर्च किया था। नहीं नहीं दे देते हैं, दे देते हैं मैम। अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस ना प्रोवाइड करे तो क्या करें? सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट के साथ चली जाए, ऐसी के साथ जाए ना जहाँ पे आपको जरूरत पड़े। अच्छा बाकी ये है कि शिपिंग प्लान एंड सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल, ये दो लेक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है इसका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल में, वो भी ये वाली आपकी 2 दिन प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं वक्फे से जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, उसको अपने एज अ लेक्चर ही कंसिडर करना है। क्योंकि जब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आज, तो वैसे भी बिकॉज आई हैव लाइक मर्ज्ड ऑल ऑफ द ग्रुप्स, तो 73 लड़कियां हैं जो कि बहुत बहुत कम नंबर है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ से भी अंदाजा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि होलसेल के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, आपको अप्रूवल वगैरह चेक करके लिस्ट करना आती हो और आपको शिपिंग प्लान बनाना आता हो, बस उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट पीएल जिसमें आपने लिस्टिंग करनी है, उस पे लगानी है, लिस्टिंग लिखनी है, ठीक है, और पीपीसी वाले कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, वो सब कुछ इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें सारी गेम है डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना, उनको कॉल करना, ठीक है, उनसे मंगवा लेना, फिर प्रॉफिट निकाल लेना, और उसके बाद ऑर्डर करके जो है वो प्रोडक्ट को लाइव करना, जिसके लिए आपने शिपमेंट प्लान बनाना होता है और आपने उसका अप्रूवल वगैरह चेक करना होता है, तो वो बड़ी डिटेल में बताई गई है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे बार बार अप्रूवल्स चेक करूंगी और रोज रोज शिपमेंट प्लान बनाऊंगी तो जिनके अकाउंट्स होते हैं उनके पास भी नोटिफिकेशन जाते हैं, ठीक है, सो और फिर अमेजोन को भी थोड़ा सा होता है कि बार बार जो है वो बन रहे हैं, बार बार डिलीट हो रहे हैं, इसलिए। शबाना कहती है मैम प्लीज मैं फिर से न्यू बैच में एनरोल करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट। इट्स ओके, आप कर लें न्यू बैच में एनरोल, आप एडमिन से कांटेक्ट कर लें बिकॉज कल ही न्यू बैच की फर्स्ट क्लास हो जाएगी। मैम हमने कॉल करके कैटलॉग लेने होते हैं? यस, डू डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ फर्स्ट टाइम कस्टमर टू बाय स्मॉल क्वांटिटीज? कुछ जिनके एमओक्यू नहीं होते वो कर देते हैं, जिनका होता है वो तो आपको फॉलो करना पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही होती है बेसिकली कि आपकी कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितनी जा रही है, ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट को लाइव कर लिया है तो उस टाइम पे आप देख रहे होते हैं कि कितने यूनिट्स आपके सेल हो गए और फिर उसके बाद जो है वो आपने कितने की इन्वेंट्री मंगवानी है। इट्स नॉट लाइक कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है।
प्रोडक्ट लाइव करना आप सिखाएंगे। देखिए लाइव करना इज लाइक कि आपने किस तरीके से 3PL को हायर करना है, उनसे क्या सवाल पूछने हैं। जैसे लाइक मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे पूछने होते हैं, इसी तरीके से होता है कि आपने 3PL को कैसे हायर करना है, उनसे किस तरीके के प्रोडक्ट पे कैसी पैकेजिंग करवानी है, इच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज इसमें तो कवर नहीं हो सकती है बिकॉज दीज आर लाइक बहुत फिर डिटेल में जाके जो है वो करवाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना वो कोर्स का पार्ट होती है। बट यहाँ पे ये है कि आपको जितना करवाया जा रहा है इसके बाद यू आर लाइक 98% एबल टू हैंडल एन अकाउंट, ठीक है, अगर आपने बहुत सी चीजों को कर लिया है तो। मैम कैटलॉग मेल के थ्रू शेयर होते हैं, यस ठीक है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप इन डेप्थ जाते हैं तो फिर तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। वो भी अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका जो मैं आपको लाइव दूंगी वो तो होगा क्लाइंट हंटिंग पे, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है, ठीक है। ये चीजें साथ साथ करने की होती हैं। जस्ट लाइक अभी कोर्स वाले जो हैं वो दे आर लाइक मेकिंग वीडियोज एंड पोस्ट दे आर वो जो होते हैं आर्टिकल्स वगैरह, सो दैट दे कैन बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस जब तक उनका जो है वो खत्म होगा। मैम 3PL सर्विस कैसे फाइंड करेंगे? फेसबुक से आपको मिल जाती है, इंटरनेट से आपको मिल जाती है। हाउ मेनी मोर लेक्चर्स आर लेफ्ट? बेसिकली थ्री, ठीक है, यू कैन से जिसमें से दो जो है वो आपके साथ शेयर होंगे एंड आप सबने उसको लाजमी तौर से देखना है। फिर जब उसका Q&A होगा तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक दिस लेक्चर, बट क्या है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट अप्रूवल हार्ड अप्रूवल होता क्या है, चेक कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, देन पूरा डिटेल शिपिंग प्लान है। फिर क्लाइंट हंटिंग पे आएंगे हम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगी सब कुछ कि आपने कैसे करना है, आपने कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ये वो, ठीक है। अच्छा अब जो है मेरे ख्याल से आज का लेक्चर तो आपको क्लियर है, आज का लेक्चर क्लियर है? माहिरा होता है ऐसा, प्रोडक्ट्स निकालने कैटलॉग में से थोड़ा सा मुश्किल होती है बट इट्स ओके, मिल जाएगा। एडमिन से कांटेक्ट कैसे करना है? एडमिन जो है वो आपके ग्रुप में है ना, उनका नाम है उर्वा, ठीक है, वो सेव्ड है, तो आप उसे, वैसे इस वक्त जो बैच 3 को डील कर रही है शी इज चांजा, वो डिफरेंट है, तो आप फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा और अगर मैंने देख लिया तो फिर मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप एडमिन को दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है ना वो क्योंकि 2 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, तो मैं जरा सा स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, और मैं जो हूँ वो अगर सप्लायर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं करता, हाँ फिर बल्क में बाय करनी पड़ती है, फिर आप गेटेड के साथ नहीं जाएंगे, आप दूसरे के साथ जाएंगे। ओके सो वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, मैं थोड़ी देर के लिए जब वो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके जल्दी से देखती हूँ कि मेरे पास जो है वो अबीरा अवान, अगर आपने नंबर परचेज कर लिया यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू, ठीक है। मैं अभी क्या कर रही हूँ आप लोगों को एक कैटलॉग दिखा देती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है तो, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। We have just 1 minute. अच्छा हमने जो नंबर बाय किया है उस पे तो सिर्फ नेम है, मतलब नेम ही होता है नंबर पे और क्या होता है? अच्छा अभी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ, ठीक है, ये कैटलॉग है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैटलॉग बेसिकली होता किस तरीके से है। कुछ इस तरीके की एक्सेल की फॉर्म में जो है वो शीट होती है, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखें अब डिफरेंट की डिफरेंट होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, कुछ इन्होंने मैनुफेक्चर लीड टाइम UPC, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड टाइटल है, केस पैक है, ये होलसेल की प्राइस दी हुई है कि अगर आप ओवर $500 से परचेजिंग करेंगे तो आपको इतनी अमाउंट में मिल जाएगी प्रोडक्ट, और अगर ज्यादा की करेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगी। ऑब्वियसली ज्यादा परचेज करते हैं तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फिर आप जब स्कैन करते हैं तो आपको मिल जाते हैं। ओके सो वी हैव जस्ट लेफ्ट 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने शीट देखनी थी उन्होंने शीट देख ली होगी, ठीक है। बाकी ये Q&As जो हैं वो मैं आपसे लूंगी इंशाल्लाह ताला ग्रुप में, ताकि किसी का भी रह ना जाए, ठीक हो गया? ओके
जिनको रिसेलर नहीं मिला है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप सो।